टू माधव आर्ट गैलरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ ये वाली पेंसिल जो कि है फैबर कैसल की। इसमें मैं आपको सब बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और ये कैसे ब्लेंड होती है, और दोस्तों मैं ए टू जेड सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम इसे खोलेंगे। सो गाइस ये कुछ इस तरीके की दिखने में, और इसमें 6 शीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 2S से लेकर 6B तक। सो गाइस चलिए अब देखते हैं ये कैसी चलती है और कैसे ब्लेंड होती है। सो गाइस ये मैंने 2H पेंसिल है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा लाइट है। सो गाइस अब मैं उसमें शेडिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके की है। सबसे ज़्यादा लाइट होती है ये और बहुत अच्छी होती है। देन अब हम इसे करने वाले हैं ब्लेंड ब्लेंडिंग सिस्टम के मदद से। तो गाइस इसे इस तरीके से ब्लेंड करेंगे, एंड ब्लेंड हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, देख सकते हैं आप लोग। 2H पेंसिल हम इसके ऊपर लिख देते हैं। देन इसके बाद उससे एक और है HB पेंसिल। दोस्तों ये HB पेंसिल आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अब HB पेंसिल इससे थोड़ी सी डार्क है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस अब हम ये HB पेंसिल को यूज कर रहे हैं। सो गाइस ये उससे थोड़ी डार्क चलने में दिख रही होगी आपको। देन इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग स्टोन से। और हाँ गाइस इसका MRP रुपीस इस बॉक्स पे लिखा हुआ है 270 रुपीस। इन दोस्तों इसमें एक रबड़ और शॉर्पनर भी आता है, इसे भी हम यूज़ करके देखेंगे। देख सकते हो दोस्तों HB पेंसिल कुछ इस तरीके की है, इस पर लिख देते हैं HB। इन दोस्तों इसके बाद है B पेंसिल। दोस्तों B पेंसिल यहाँ पर लिखा हुआ आता है सारे कुछ इसके B पेंसिल। बस चलिए अब ये HB से डार्क होती है। बस अब हम इसे भी ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडिंग सिस्टम के मदद से। तो गाइस इसे भी हम आगे हमारी ड्राइंग्स में यूज करने वाले हैं। सो गाइस बहुत अच्छी पेंसिल्स है, बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है इससे। एंड अब उससे थोड़ी सी और डार्क है वो है 2B पेंसिल। 2B पेंसिल गाइस इस तरीके की है यार। चलिए अब इससे भी शेड करके देखते हैं। B पेंसिल से थोड़ी सी डार्क है। देख सकते हैं ये 2B पेंसिल है, तो हम लिख देंगे ऊपर 2B। सो गाइस देन इससे डार्क होती है 4B पेंसिल।
तो गाइस काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है ये। अब हम इसे भी ब्लेंड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ शेडिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लेंडिंग करने में भी। देख सकते हो इसके ऊपर हम लिख देंगे और भी अंडर लुक। इसमें जो सबसे डार्क होती है वो होती है 6B पेंसिल। तो गाइस 6B सबसे ज़्यादा डार्क होती है, हम 6B को चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6B पेंसिल कितनी डार्क चल रही है। इसे ब्लेंड भी स्टंप के हेल्प से ब्लेंड भी कर देंगे। देख सकते हैं ब्लेंड हो जाने पर ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। इसके ऊपर हम लिख देंगे 6B। देख सकते हैं। सो गाइस ये सारे ग्रेड्स थे इस पेंसिल में। और दोस्तों इसके रबर से अब हम हाइलाइट्स करके देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं रबर में मैंने ये कुछ इस तरीके का इरेजर, तो इससे हम हाइलाइट्स करके देखेंगे। अब सो गाइस सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। सो गाइस बहुत शार्प हाइलाइट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस बहुत अच्छे से ये रबर भी बहुत अच्छा है, शार्प हाइलाइट्स हो पा रहे इससे। देन अब हम HB में भी करके देख लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं बहुत अच्छे से हाइलाइट्स हो पा रहे हैं इसमें। तो गाइस देख सकते हैं कितने शार्प हाइलाइट्स हो रहे हैं। देन अब ये है B पेंसिल, इसमें भी अच्छे से हाइलाइट्स हो रहे हैं, देख सकते गाइस आप लोग। आपको जैसे हाइलाइट्स चाहिए रहेंगे वो हो जाएंगे इसमें। देन ये है हमारे पास 2B, इसमें भी हो पा रहे हैं सारे अच्छे से हाइलाइट्स। देन 4B में भी हम करके देख लेंगे। दोस्तों 6B पेंसिल है, इसमें भी बहुत आसानी से हो पा रहे हैं, देख सकते गाइस। और बहुत अच्छा इरेजर है ये। एंड ये फेबर कैस्टल का इसमें शार्पनर भी आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके का रहता है, ब्लैक कलर का। सो गाइस इसे भी हम यूज़ करने वाले हैं आगे अपने ड्राइंग्स में। एंड ये सारी पेंसिल्स को हम यूज़ करने वाले हैं आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसमें। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुबह तब तक के लिए बाय बाय।